This is Easy Understanding with Home Tuition. Hello friends, welcome back to my channel. Today we will start with chapter 4, that is Saving Dory. Actually this chapter is an article. Objectives: in this chapter we will read an article about marine conservation, learn words related to conservation, make sentences and learn about parts of dictionary entry. Learn the correct use of simple past tense, adjectives and apostrophes. Listen and fill in the blanks. Conduct a mock quiz conference and practice short and long vowel sounds. Learn to write a newspaper article. So, now let's start reading the chapter. Do you like watching films about animals? Read an article on how films about animals affect the environment and nature. So, yahan आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या जानवरों पे बनी फिल्म्स देखना पसंद है. तो चलिए आज हम यहाँ पे उन फिल्म्स के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि जानवरों के ऊपर बनाई जाती हैं और उन फिल्म्स का हमारे नेचर और इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट क्या होता है. डू द नेम्स नीमो, डॉरी, ब्रूस, क्रश रिंग अ बेल? दे आर ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम 2016 एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग डॉरी, द सीक्वल टू 2003 फिल्म फाइंडिंग नीमो. तो यहाँ पे हमें कुछ नाम दिए गए हैं, नीमो, डॉरी, ब्रूस एंड क्रश. तो ये सारे जो नाम हैं, नीमो, डॉरी, ये सभी फ़िश के नाम हैं और मैरीन एनिमल्स के नाम हैं जो कि ओशन में रहते हैं. और ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं? एक एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग डॉरी जो एक मछली के ऊपर फिल्म बनाई गई थी 2016 में, उसके ऊपर हैं. और इसके पहले एक फिल्म बनाई गई है इसी तरह से, फाइंडिंग नीमो करके, उसमें मछली का नाम नीमो था. Finding Nemo follows the journey of Merlin, a clownfish, and Dory, a regal blue tang, all the way to Sydney Harbour to rescue Merlin's son Nemo. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो नीमो हैं तो इसमें पूरी मर्लिन की जर्नी बताई गई है. मर्लिन क्या है? मर्लिन है नीमो के फादर जो कि नीमो को ढूंढते रहते हैं पूरी फिल्म की जर्नी में. वो नीमो को ढूंढते रहते हैं और नीमो कौन है? उनका बेटा है. मर्लिन का बेटा नीमो है. और मर्लिन कौन है? एक क्लाउन फिश है. ये एक फिश की वैरायटी है. क्लाउन फिश का नाम मर्लिन है. और जो डोरी है, डोरी, वो एक ब्लू रीगल टैंग है. ये भी एक फिश की वैरायटी है. अब ये ऑल द वे टू सिडनी हार्बर टू रेस्क्यू मर्लिन सन नीमो. तो फिल्म फाइंडिंग नीमो में पूरी जर्नी दिखाई गई है कि किस तरह से नीमो को ढूंढते हैं सिडनी हार्बर. सिडनी हार्बर एक ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, एक तरह का हार्बर. हार्बर उस पोर्ट को कहते हैं जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं. शिप पोर्ट होता है, उसको हार्बर कहते हैं. तो वहाँ के समुद्र से लेके उसकी पूरी कहानी है जब तक कि वो मिल नहीं गया. अब वो जो सन नीमो है, मर्लिन का जो सन नीमो है, वो चोरी हो गया था उसके कोरल रीफ से. अब कोरल रीफ आप पिक्चर में नीचे देख सकते हैं कि एक स्पाइंस जैसा प्लांट बना हुआ है, उसी को कोरल रीफ कहते हैं. ये एक्वेटिक प्लांट है जो समुद्र में पाया जाता है और यही उसका घर होता है. To live out his number of days in care of dentist niece. अब dentist niece, अब वो कहाँ पहुँचता है वहाँ से निकल के? Dentist niece. अब dentist niece क्या होता है? ये वहाँ इस स्टोरी में, इस फिल्म में एक कैरेक्टर है dentist niece. Niece का मतलब होता है भांजी. Finding Dory saw the forgetful blue tang set out on an epic adventure across oceans to find her parents. अब जो दूसरी फिल्म है Finding Nemo के सीक्वेंस पर जो बनाई गई है Finding Dory, उसमें हम देखते हैं कि एक forgetful blue tang सेट आउट ऑन एन epic एडवेंचर. epic का मतलब होता है grand, grand एडवेंचर है. रोमांच, एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच जो कि समुद्र में होता है. यहाँ पे जो डॉरी है वो अपने माँ बाप को ढूंढते हुए बहुत ही एडवेंचर, बहुत ही खतरे झेलते हुए ओशन में अपने माँ बाप को ढूंढती है, उनसे बिछड़ गई होती है. दे आर बोथ टचिंग, फनी एंड इंस्पायरिंग टेल्स दैट टीचर्स अबाउट ब्यूटी ऑफ ओशन, इट्स कोरल रीफ एंड सम ऑफ देयर मोस्ट अट्रैक्टिव इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स का मतलब है जो ओशन में रहने वाले जानवर होते हैं जो वहीं पर रहते हैं. तो यहाँ पे जो हमें दोनों फिल्म हैं, बोथ द फिल्म्स फाइंडिंग नीमो एंड फाइंडिंग डॉरी, दोनों फिल्म हैं वो बहुत ही फनी हैं, मजाकिया हैं, इंस्पायरिंग हैं, जो हमें प्रेरणा देती हैं. इंस्पायरिंग का मतलब होता है इनकरेजिंग और मोटिवेटिंग कहानियाँ हैं. और हमें क्या दिखाती हैं? समुद्र की खूबसूरती को दिखाती हैं, समुद्र की सुंदरता को दिखाती हैं. उसके जो जानवर हैं उसमें कोरल रीफ, वहाँ पर स्पाइंस जैसा एक तरह का हार पौधा होता है, उसको कोरल रीफ कहते हैं. आप इसे नेट में सर्च करके देख सकते हैं. तो उन सब चीज़ों की ब्यूटी को दिखाता है. पीपल फेल इन लव विद द क्लाउन फिश एंड ब्लू रीगल टैंग. और ये फिल्म्स देखने के बाद लोगों को क्लाउन फिश यहाँ पे कौन है? नीमो है. और ब्लू रीगल टैंग यहाँ पे डॉरी है. तो इन दोनों से उन लोगों को बहुत प्यार हो जाता है, उनको बहुत पसंद आती है.
Though the message of the film are centered on conservation and the tragedy of taking wild coral fish species from their home and placing them in glass prison, Finding Nemo had a sad ironic effect too. अब यहाँ पे जो फिल्म का मैसेज है वो इस तरफ मैसेज करा गया है फिल्म ने कि हमें जानवरों को बचाना चाहिए. कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, बचाना. तो फिल्म हमें ये मैसेज देती है कि हमें जानवरों को बचाना चाहिए, वाइल्ड एनिमल्स को, कोरल स्पीशीज को, और हमें उनको उनके इनहैबिटेट से अलग नहीं करना चाहिए और उनको ग्लास प्रिजन में बंद करके एक्वेरियम में ऐसे नहीं रखना चाहिए हम लोगों को. फाइंडिंग और इसका फाइंडिंग नीबू जो फिल्म है इसका बहुत ही सैड, दुखी और आइरनिक का मतलब होता है हैपनिंग इन अ वे दैट इज अपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड. जो हम लोग सोचते हैं उसका जब उल्टा होता है उसको कहते हैं आइरनिक इफेक्ट. तो यहाँ पे आइरनिक इफेक्ट क्या होता है? द क्लाउन फिश बिकेम इंस्टेंटली इन डिमांड पेट्स, कॉजिंग मेनी मोर नीमोस टू बी टेकन फ्रॉम देयर कोरल रीफ इकोसिस्टम्स. तो इसका जो उल्टा ही प्रभाव पड़ता है, जो फिल्म बनाई गई थी उसका मैसेज तो ये था कि जानवरों को बचाया जाए, फिशेस को बचाया जाए, उनका संरक्षण करा जाए, उनको ग्लास में, ग्लास के जो एक्वेरियम होते हैं उनमें कैद करके ना रखा जाए. लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो उल्टा ही होता है. इस फिल्म को देखने के बाद लोगों को, बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं इन फिशेस की तरफ और क्या करते हैं, इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है इन एनिमल्स की और ये बहुत ज़्यादा खरीदी जाने लगती हैं, कॉजिंग मेनी मोर नीमोस टू बी टेकन फ्रॉम देयर कोरल रीफ इकोसिस्टम. जिसके कारण बहुत सारी क्लाउन फिश, बहुत सारी नीमोस को उनके कोरल रीफ जो कि उनका घर होता है उनसे अलग होना पड़ता है. नेशनल ज्योग्राफिक हैज सेड दैट द डिमांड फॉर क्लाउन फिश एज एक्वेरियम पेस्ट्स मोर दैन ट्रिपल्ड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द फिल्म. और नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है उसने कहा है कि इस फिल्म की वजह से जो क्लाउन फिश की डिमांड थी वो सीधे 3 गुना बढ़ गई है, ट्रिपल हो गई है. अ कंजर्वेशन फंड इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट क्लाउन फिश. अब जो हमारा पहला पैराग्राफ था उसमें हमें इस फिल्म के इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं जो कि नेगेटिव ही हैं, और दूसरी का पैराग्राफ हमें उनके स्टेप्स बताते हैं कि इस फिल्म के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए गए उनके कंजर्वेशन के लिए. अ कंजर्वेशन फंड इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट क्लाउन फिश सेविंग नीमो .org has started that more than 1 million clown fish are now taken from coral reef system each year to go to aquariums with 400,000 of these fish being sent to USA. अब जो कंजर्वेशन फंड क्लाउन फिश को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है उसका नाम है सेविंग नीमो .org और इसको इसलिए शुरू करा गया है क्योंकि 1 मिलियन से ज़्यादा क्लाउन फिश को उनके घर जो कि कोरल रीफ सिस्टम है उससे निकाल के हर साल एक्वेरियम में ले जाया जाता है. कम से कम 400,000 फिशेज USA हर साल भेजी जाती हैं और इसकी वजह से ये फिश, दिस कॉजिंग द फिश टू गो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट इन सर्टेन एरियाज इन साउथ ईस्ट एशिया. और इसी वजह से ये जो क्लाउन फिश की स्पीशीज है, प्रजाति है, वो लगभग एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना. तो ये एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं साउथ ईस्ट एशिया के एरियाज में. द डिटेल ऑफ क्लाउन फिश. क्लाउन फिश ऑल्सो नोन एज एनिमल फिश आर फाउंड इन इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस. तो जो क्लाउन फिश होती है उसको एनिमल फिश भी कहा जाता है और ये इंडियन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं. दे आर यूजुअली फाउंड लिविंग एडमेस्ट शेल्टर्ड रीफ. ये ज़्यादातर एडमेस्ट शेल्टर्ड रीफ क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तरह का हार्ड पौधा होता है जो कि घास के जैसा दिखता है, उसमें ये रहती हैं. हियर दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद सी एनिमल्स, अ मेरीन प्रीडेटरी एनिमल विच लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर. दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक का मतलब होता है अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, पीपल और थिंग्स दैट एग्जिस्ट टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर दैट बेनिफिट्स देम ऑल. तो अब इन लोगों का सिम्बायोटिक रिलेशन है, शॉर्ट में कहा जाए तो एक दूसरे पे ये डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं. इन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है. किसको किसको होता है? सी एनिमल्स और एनिमल फिश. अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि एनिमल फिश और सी एनिमल्स अलग अलग चीज़ें होती हैं. एनिमल फिश क्लाउन फिश को कहा जाता है और सी एनिमल्स शेल्टर्ड रीफ या कोरल रीफ को कहा जाता है. अ मैरीन प्रीडेटरी एनिमल. प्रीडेटरी का क्या मतलब होता है? शिकारी एनिमल, मतलब शिकारी जो होता है, विच लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि जो एनिमल फिश है और जो सी एनिमल यानी कि कोरल रीफ है उन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. मैरीन प्रीडेटरी एनिमल विच लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो जो ये सी एनिमल है वो एक मैरीन, पानी में रहने वाला प्रीडेटरी एनिमल है. प्रीडेटरी का मतलब होता है एनिमल दैट लिव बाई किलिंग अदर एनिमल्स फॉर फूड.
एनिमल विच लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर, और ये एक फूल की तरह सुंदर दिखता है. दे प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स. अब ईच अदर कौन है यहाँ पे, एनिमल फिश और एडमेस्ट शेल्टर्ड रीफ या फिर सी एनिमल्स. ये दोनों एक दूसरे को प्रीडेटर्स यानी कि शिकारियों से बचाते हैं एंड एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करते हैं. द क्लाउन फिश इवन क्लीन्स द एनिमल. इन रिटर्न द एनिमल कीप्स इट्स हार्पून लाइक स्टिंगर्स यूज टू कैप्चर प्रे एंड स्केयर प्रीडेटर्स एट बे फ्रॉम द क्लाउन फिश. तो जो क्लाउन फिश है वो एनिमल जो सी एनिमल है उसको साफ भी रखती है, और उसके बदले में एनिमल क्या करता है, उसके जो हार्पून लाइक स्टिंगर्स हैं, हार्पून का मतलब है लाइक द लॉन्ग शार्प स्पीयर, एक तरह से कटीले जो उसके स्टिंगर्स हैं उनको उनका इस्तेमाल करती है ताकि वो प्रे यानी कि शिकार को पकड़ सके जो उनका खाना होता है, और जो प्रीडेटर्स जो शिकारी होते हैं उनको डरा सके. स्केयर का मतलब होता है डराना. एट द बे फ्रॉम द क्लाउन फिश, जो कि उनके पास आते हैं उनको डरा सके ताकि वो क्लाउन फिश को परेशान ना कर सकें. इन एन अमेजिंग फीट ऑफ नेचर दीज फिश डेवलप इन टू मेल्स फर्स्ट एंड बिकम फीमेल्स एज मेच्योर फिश इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस. और इन जो फिश हैं क्लाउन फिश जो है इसमें एक बहुत ही कमाल की बात है. फीट इन एन अमेजिंग फीट ऑफ नेचर, फीट का मतलब होता है अचीवमेंट. इसमें एक बहुत कमाल की बात है, इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नेचर की. वो क्या है कि जो ये फिश है क्लाउन फिश, ये पहले मेल होती है, जब शुरुआत में ये मेल होती है जब पैदा होती है, और धीरे धीरे बाद में फीमेल बन जाती है ताकि ये मेच्योर जब होती है फीमेल बन जाती है ताकि ये रिप्रोड्यूस कर सके. दे ले देयर एग्स ऑन फ्लैट सर्फेसिस नियर देयर एनिमल होस्ट. और ये अपने जो अंडे देती हैं वो एनिमल होस्ट, क्योंकि कोरल रीफ या कहें कि एडमिस्ट शेल्टर्ड रीफ, उनके आसपास ही देती हैं अपने अंडे ताकि वो सुरक्षित रहें. यहाँ पे जो सी एनिमल है कोरल रीफ है, ये इनके होस्ट होते हैं. इन दिस पैराग्राफ वी विल कम टू नो अबाउट ब्लू रीगल टैंग, अबाउट द डिटेल्स ऑफ ब्लू रीगल टैंग. ब्लू रीगल टैंग कौन है, हमारी डॉरी फिश है. ये एक वेराइटी होती है फिश की. द ब्लू रीगल टैंग इज फाउंड इन द वाटर्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका टू सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड ऑफ किरीबती एज वेल एज अराउंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. ये जो ब्लू रीगल टैंग है ये कहाँ से कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन वाटर्स ऑफ, यहाँ पे ओ डबल एफ है, तो ये इसका मतलब है कि ये ईस्ट अफ्रीका से लेके सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड जो कि किरीबती है वहाँ तक के पानी में पाई जाती है, एज वेल एज अराउंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, और जापान से ऑस्ट्रेलिया तक ये पाई जाती है वहाँ तक के पानी में. दे टू लाइक टू लिव इन कोरल रीफ दैट गो अलॉन्ग द सी शोर. अब इनको भी जो ब्लू रीगल टैंग है इनको भी कोरल रीफ, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एक तरह का हार्ड घास जैसा दिखने वाला पौधा होता है जो कि सी शोर समुद्र के किनारे उगता है, वहाँ पे इन लोगों को भी रहना बहुत पसंद है हमारी क्लाउन फिश की तरह. व्हेन दे सी अ प्रीडेटर दे ऑफन प्ले डेड बाय लेइंग ऑन देयर साइड एंड स्टेइंग मोशनलेस टिल द क्रिएचर पासेस देम बाय. यहाँ पे व्हेन दे सी अ प्रीडेटर, प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी. जब ये किसी शिकारी को देखती हैं तो दे ऑफन प्ले डेड, ये मरने वाला खेल खेलती हैं. और कैसे ये खेल खेलती हैं, ये लोग इस तरह से लेट जाती हैं एकदम सीधे, एकदम मोशनलेस होके एकदम नहीं हिलती हैं, जिससे लगता है जो क्रिएचर आता है शिकारी उसे लगता है कि ये मछली मरी हुई है और वो वहाँ से चला जाता है. द ब्लू टैंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द कोरल रीफ एज दे ईट द एक्सेस एल्गी इन द रीफ दस प्रिवेंटिंग द एल्गी टू सफोकेट द रीफ. जो ये ब्लू रीगल टैंग है ये बहुत ही ज़रूरी है कोरल रीफ की लाइफ साइकिल के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ब्लू रीगल टैंग है जो एक्सेस मतलब अधिक मात्रा में जो एल्गी का मतलब होता है काई, जो ब्लू रीगल टैंग है वो कोरल रीफ में जमी ज़्यादा काई को खा लेती है. दस प्रिवेंटिंग द एल्गी टू सफोकेट द रीफ, जिससे कि जो एल्गी है वो इतनी अधिक मात्रा में नहीं भरती और जो ब्लू कोरल रीफ है वो सफोकेट नहीं होता. सफोकेट का मतलब होता है दम घुटना. दे यूज देयर स्मॉल शार्प टीथ टू कीप देयर कोरल प्रीडेटर्स क्लीन. और जो ये ब्लू रीगल टैंग है वो अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों को यूज करती है जिससे कि जो कोरल है वो उसको साफ रख सके. Interestingly, finding Dory shows Dory's parents as kind and nurturing. In real life, however, the parents don't care for their young. तो हमें जो finding Dory picture है उसमें जो Dory है उसके parents बहुत ही kind और nurturing दिखाए गए हैं. Kind का मतलब होता है दयालु और nurturing का मतलब होता है caring. जो picture है उसमें तो जो Dory के parents हैं जो कि blue deagle tang है उसके parents बहुत ही caring और kind दिखाए गए हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है. असलियत में जो ये ब्लू रीगल टैंग होती है उसके पेरेंट्स उनके लिए अपने बच्चों के लिए केयर नहीं करते हैं. बेबी ब्लू टैंग आर कैरीड अवे बाय ओशन करेंट्स सून आफ्टर दे हैच एंड आर ऑन देयर ओन फ्रॉम वेरी बिगनिंग.
तो जो ब्लू रीगल टैंक के जो बच्चे होते हैं वे बचपन में ही ओशन करेंट्स होता है समुद्र का बहाव या फिर कहें कि लहरें, उनसे बह जाते हैं और ये बहुत छोटे से ही इनको अपनी ज़िंदगी अपने आप जीनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड क्लाउन फिश डैड्स डू वॉच ओवर देयर एग्स एंड फैन देम विच कीप द एनिमल क्लीन एंड टेक्स केयर ऑफ द एग। और दूसरी तरफ जो हमारी क्लाउन फिश है उनके जो फादर होते हैं वो अपने अंडों का ख्याल रखते हैं, उन पर नज़र रखते हैं ताकि कोई उसे ले ना जाए और उसकी सफाई भी करते हैं जिससे कि जो एनिमल होता है या फिर कोरल रीफ होता है वो साफ रहता है और एग्स की केयर भी करते हैं। These fish species are not the fish glamour pets to rise to popularity due to Hollywood films and to suffer because of it. और यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो फिश की स्पीशीज हैं दे आर नॉट द फर्स्ट ग्लैमर। ग्लैमर का मतलब होता है ठाट बाट। ये पहले से ही इतने ठाट बाट में नहीं रहते थे, इतने मशहूर नहीं थे ये पेट्स जितने कि तब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी जब इनकी फिल्म आई। इनकी हॉलीवुड फिल्म्स के आने की ही वजह से ये जो पेट्स हैं जैसे कि ब्लू रीगल टैंग हो गई, हमारी डॉरी, कोरल फिश हो गई, हमारी नीमो, ये लोग बहुत फेमस हो गए, बहुत पॉपुलर हो गए एंड टू सफ़र बिकॉज ऑफ इट। और इसकी वजह से, इस पॉपुलैरिटी की वजह से इनको बहुत सफ़र भी करना पड़ा, बहुत झेलना पड़ा। डू यू रिमेंबर द स्नोई आउल हेडविंग इन हैरी पॉटर फिल्म? द बॉयज विजर्ड लव फॉर हिज पेट इन द फिल्म स्पार्क्ड एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर आउल एज पेट इन मेनी कंट्रीज। अब आपको क्या याद है कि जो स्नोई आउल हेडविंग हैरी पॉटर फिल्म में था? अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर फिल्म देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक स्नोई आउल है जैसे कि ये पिक्चर में बना हुआ है नीचे। इसको स्नोई आउल कहते हैं और ये इसका नाम हेडविंग है हैरी पॉटर की फिल्म में। और जो इसकी बॉयज विजर्ड्स लव फॉर हिज पेट इन द फिल्म, और जो उस लड़के का अपने पेट आउल स्नोई आउल के लिए जो उसका प्यार है उससे क्या होता है कि उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, लोग उसे पालना शुरू कर देते हैं। फिल्म को देखने के बाद लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उस आउल से और उस आउल की डिमांड, स्नोई आउल की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। बहुत से देशों में ऐसा हुआ है। बट मैनी ऑफ द बर्ड्स एंडेड अप इन एनिमल शेल्टर सून आफ्टर द सीरीज एंडेड। लोगों ने पिक्चर देखने के बाद, फिल्म देखने के बाद शौक में आके स्नोई आउल को खरीद तो लिया, लेकिन जैसे कि जैसे जैसे हैरी पॉटर की सीरीज ख़त्म हुई वैसे वैसे ये जो स्नोई आउल हैं वो भी अपने शेल्टर में, अपने पिंजरे में मरते गए क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट उनसे ख़त्म हो गया। जैसे कि जैसे ही सीरीज ख़त्म हुई हैरी पॉटर की, उन्होंने स्नोई आउल की केयर करना बंद कर दी। मोर ओवर आउल्स आर इलीगल टू ओन विदाउट सुटेबल क्वालिफिकेशंस इन मेनी कंट्रीज। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। अब बहुत से जगहों, बहुत से देशों में आउल को रखना इलीगल है जब तक कि उनके पास पूरी क्वालिफिकेशन ना हो। अगर आपको आउल रखना है तो आपको पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये ऐसा नियम भी है बहुत सारी कंट्रीज में। द पॉपुलैरिटी ऑफ द टीनेज मुतांत निंजा टर्टल्स अ सीरीज ऑफ कॉमिक बुक बेस्ड फिल्म्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ पिज़्ज़ा लविंग स्टंट परफॉर्मिंग टर्टल्स सॉ अ ह्यूज इंक्रीज इन टर्टल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो टीनेज मुतांत निंजा टर्टल्स हैं ये कॉमिक बुक की सीरीज है और इसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है जिसमें कि ये टर्टल्स क्या होते हैं, पिज़्ज़ा लविंग होते हैं, इनको पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है। स्टंट परफॉर्मिंग, ये तरह तरह के करतब दिखाते हैं, स्टंट दिखाते हैं, इनको स्टंट करते हैं और इसकी वजह से, इस पिक्चर को देखने की वजह से इसकी डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। बट मैनी ऑफ देम वर अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है गिवन अप और फॉरसेकन, एक तरह से छोड़ दिया। एंड इवन फ्लश्ड अवे व्हेन देयर ओनर्स गॉट बोर्ड, या फिर उनको फ्लश कर दिया जब इसके जो ओनर्स थे, जिन लोगों ने टर्टल को एज अ पेट खरीदा था, वो जब बोर हो गए उसे फ्लश कर दिया। हाउ डू द फिल्म्स दैट सेलिब्रेट अ लव ऑफ ओशन क्रिएचर्स एंड कन्वे अ स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन मैसेज लीव अस विद अ क्राइसिस ऑफ दिस नेचर। कैसे ये फिल्म जो कि जो ओशन के क्रिएचर्स हैं, ओशन में जो रहने वाले जानवर हैं, उनके प्यार को सेलिब्रेट करती हैं और एक हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज हम तक पहुंचाती हैं उनके कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। उन्हीं फिल्म्स की वजह से क्राइसिस हो जाती है। क्राइसिस का मतलब होता है अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और ट्रबल। इन्हीं फिल्म्स की वजह से ये जानवर मुसीबत में आ जाते हैं। वी ओनली हैव अवर ग्रीड टू ओन ब्यूटिफुल पोजिशन टू ब्लेम फॉर इट। ये सिर्फ हमारा ग्रीड का मतलब होता है लालच और पोजिशन का मतलब होता है एक तरह की प्रॉपर्टी जो हमारे पास हो, हमारे अधिकार जिस पे हो। वी ओनली हैव अवर ग्रीड टू ओन ब्यूटिफुल पोजिशन, ये सिर्फ हमारा लालच है कि हमारे पास एक इतनी सुंदर सी चीज़ हो, हमारी खुद की चीज़ हो और कुछ भी नहीं है। इफ वी लव एंड एडमायर दीज फिश एंड अदर मेरीन क्रिएचर्स वी शुड रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कंडीशन। अगर हम सच में मेरीन क्रिएचर्स का मतलब होता है पानी में समुद्र में रहने वाले जानवर, अगर हम सच में उनको, उनसे प्यार करते हैं और उनकी एडमायर का मतलब होता है तारीफ
और उनको एडमायर करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो हमें उनके अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर हम सच में समुद्र में रहने वाले जानवरों से प्यार करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो हमें उसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी चाहिए उनकी कंडीशन के बारे में कि इन फिल्म्स की वजह से हमारे ये जो जानवर हैं उनको कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है। द मैसेज ऑफ द फिल्म्स एंड नाउ द साइंस इज क्लियर, जस्ट लेट देम कीप स्विमिंग इन द ओशन। जो फिल्म है और साइंस है उनका बस एक ही मैसेज है और जो कि बहुत क्लियर है, बहुत ही साफ है। एक ही मैसेज वो लोग सीधे सीधे देते हैं कि जस्ट लेट देम कीप स्विमिंग इन द ओशन, उन्हें समुद्र में तैरने दो, उन्हें पकड़ो मत, ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाओ, उन्हें उनकी ज़िंदगी दे दो, उनके हैबिटेट में उन्हें जीने दो। बट मैरीन फिश हार्वेस्टिंग टेक्निक कैन बी केयरलेस एंड क्रूएल। मैरीन फिश हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या होती है? ये एक तरह की ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि समुद्र में रहने वाले जानवरों को पकड़ा जाता है, और ये जो टेक्निक होती है वो केयरलेस होती है और क्रूएल भी होती है। क्रूएल का मतलब होता है कठोर। मैनी ऑफ दीज ब्राइट ब्लू एंड येलो कलर्ड फिश डाई बिफोर दे मेक इट टू समर्स लिविंग रूम। और जब ये फिशेस मेरीन फिश हार्वेस्टिंग टेक्निक से पकड़ी जाती हैं और ये टेक्निक इतनी केयरलेस होती है, इतनी क्रूएल होती है कि जो ये ब्राइट ब्लू और येलो कलर की फिशेस जो पकड़ी जाती हैं, ये इससे पहले कि किसी के एक्वेरियम में, किसी के ड्राइंग रूम में रखे एक्वेरियम में जा पाएँ, ये उससे पहले ही मर जाती हैं। ऑफन साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग इज यूज्ड ऑन रीफ्स टू हार्वेस्ट द फिश। अब ये साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है? ये एक तरह का पॉइजन होता है, एक तरह का केमिकल होता है जिससे कि मछलियों को बेहोश कर दिया जाता है। ये जहरीला भी होता है। ये साइनाइड पॉइजनिंग, ये इस केमिकल की वजह से, इस केमिकल की मदद से फिशेस को बेहोश कर दिया जाता है और फिर उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उनको निकाल लिया जाता है। साइनाइड एक्ट एज एन एनेस्थेटिक दैट अलाउज फिश टू बी कलेक्टेड फास्टर एंड मोर ईजली। यही बात कही गई है, साइनाइड जो है ये केमिकल वो एनेस्थियाटिक है। एनेस्थियाटिक मतलब बेहोश कर देता है एक तरह से, जिससे कि मछलियों को दर्द नहीं होता, उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें निकाल लिया जाता है बहुत आसानी से। इससे इसकी वजह से मछलियों को निकाला जा सकता है बहुत आराम से, क्योंकि मछलियाँ बेहोश हो जाती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ फाइंडिंग नीमो वॉज दैट सम एक्वेरियम ओनर्स हु केप्ट क्लाउन फिश सॉ द फिल्म एंड फेल्ट सो बैड दैट दे रिलीज देयर पेट इनटू द वाइल्ड। अब इसका जो फाइंडिंग नीमो जो पिक्चर आई थी, इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा कि बहुत से ऐसे जो एक्वेरियम ओनर्स थे जिनके पास एक्वेरियम था और जिन्होंने क्लाउन फिश जो कि हमारी नीमो की नीमो है, क्लाउन फिश को रखा हुआ था, इस फिल्म को देखने के बाद उन लोगों को इतना बुरा लगा कि उन लोगों ने नीमो को, जो क्लाउन फिश थी, उसको खुले में छोड़ दिया। मैनी पीपल ऑल्सो बॉट द क्लाउन फिश विदाउट नोइंग हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कि क्लाउन फिश को खरीद के ले आए फिल्म देखने के बाद, ताकि वो उन्हें रख सकें, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि क्लाउन फिश की केयर कैसे की जाती है, उसका ख्याल कैसे रखा जाता है। एक तरफ लोगों ने फिल्म देखने के बाद जिन लोगों के पास क्लाउन फिश थी उन लोगों ने फिश को छोड़ दिया, और दूसरी तरफ कुछ लोग फिश को खरीद के ले आए जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि उसकी केयर कैसे की जाती है। परहैप्स लेड ऑन बाय अ लाइन इन द फिल्म many children are said to have flushed their clownfish down the toilet in the hope of setting them free। और बहुत से जैसे फिल्म में जैसा हुआ था कि फिल्म में फाइंडिंग नीमो में फिश को फ्लश कर दिया गया था जिससे कि वो समुद्र में जाके मिल गई थी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। फिल्म को देखने के बाद उसी राह पे चलते हुए बच्चों ने, जिनके पास क्लाउन फिश थी, बहुत से बच्चों ने क्लाउन फिश को फ्लश कर दिया अपने टॉयलेट में जाके, ये सोच के कि वो आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो यहाँ पे सी बीच में जाके मिल जाती हैं और मर जाती हैं। ऑफन द क्लाउन फिश कुड नॉट सर्वाइव इन न्यू ओशियानिक इकोसिस्टम दैट दे वर नॉट यूज्ड टू। और जिन लोगों ने उन्हें समुद्र में जाके डाला तो वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाई, क्योंकि वहाँ पे उनकी रहने की आदत नहीं थी, वो उनके लिए इतना नया था कि वो उसमें अडेप्ट नहीं कर पाई और वो मर गई। दे ऑल्सो समटाइम्स हार्म्ड द लोकल फिश देयर एंड इंट्रोड्यूस्ड पेट। और उनको कई बार बहुत चोट भी लगी, उनको उनका नुकसान भी हुआ जब उनको बाकी फिशेस के साथ रखा गया, तब उनको नुकसान भी हुआ। व्हेन फाइंडिंग डोरी वाज रिलीज्ड इन 2016 मेरीन साइंटिस्ट हैड अ क्लियर मैसेज, डोंट लेट इट हैपन टू डोरी। द रीगल ब्लू टैंग विच अनलाइक द क्लाउन फिश कैन नॉट बी फेड इन कैप्टिविटी वुड सफर द सेम फेट। जब 2016 में
इसी की सीरीज में जो दूसरी फिल्म आई फाइंडिंग डॉरी, तो जो मेरीन साइंटिस्ट थे, मेरीन मतलब ओशन के एनिमल्स की जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, उनका मैसेज क्लियर था, साफ था कि डोंट लेट इट हैपन टू डॉरी, जैसा नीमो के साथ हुआ था वैसा डॉरी के साथ मत होने दो। द रीगल ब्लू टैंग, ये एक फिशी वैरायटी है जिस वैरायटी की हमारी डॉरी थी, विच अनलाइक द क्लाउन फिश कैन नॉट ब्रीड इन कैप्टिविटी। जो हमारी ब्लू रीगल ब्लू टैंग डॉरी है वो भी क्लाउन फिश की तरह कैप्टिविटी में नहीं जी सकती, और उसको कुड सफर द सेम फेट, फेट का मतलब होता है भाग्य, और हमें उसको भी ऐसा नहीं होने देना है कि उसके साथ भी वही कुछ हो। अराउंड 300,000 ब्लू टैंक्स आर बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, बट रीगल ब्लू टैंक्स डू नॉट डू वेल इन एक्वेरियम्स, दे आर फ्रेगाइल एंड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड केयर एंड इन रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस डाई इन लार्ज नंबर्स। अराउंड 300,000, यहाँ पर 300,000 ब्लू टैंक्स होती हैं, ये हर साल लाई जाती हैं समुद्र से और छोड़ी जाती हैं और बेची जाती हैं, पूरे दुनिया में बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। बट रीगल ब्लू टैंक डू नॉट डू वेल इन एक्वेरियम्स, लेकिन ये जो रीगल ब्लू टैंक फिश है ये एक्वेरियम में नहीं रह सकती, ये अच्छे से नहीं रह पाती एक्वेरियम में, क्योंकि ये समुद्र में रहने वाली मछली है। दे आर फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब होता है डेलिकेट, ये बहुत ही डेलिकेट फिश है और इसको स्पेशलाइज केयर चाहिए है, बहुत खास तरह से इसकी केयर की जाती है, और अगर इसको गलत सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है हालात, और अगर इसको गलत हालातों में एक तरह से गलत इन्वायरमेंट में रखा जाएगा तो ये मर जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर में मर जाती हैं। जितनी फिश खरीदी और बेची जाती हैं वो सारी एक्वेरियम में ही रखी जाती हैं, और एक्वेरियम बहुत छोटा होता है इनके लिए, और अगर हम उसे ओशन की तरह सॉल्टी भी कर दें तब भी वो उसमें ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि वो उसके लिए अडैप्ट नहीं होती हैं। To clear your doubts, I have inserted some pictures. Dear children, you should watch these movies as they are entertaining as well as knowledge giving. They are made especially for you. If you like the video, then like, share, comment, and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching this video.